लॉकडाउन के दौरान गरीब और असहाय लोगों के सामने खड़े हुए रोजी रोटी के संकट को दूर करने के लिए भामाशाह आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में जयपुर के बाड़ा पदमपुरा स्थित दिगंबर जैन मंदिर समिति की ओर से रोजी रोटी संकट से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन का सहयोग किया जा रहा है। समिति की ओर से 1000 जरूरतमंदों को सूखा राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। राशन में 5 किलो आटा, 1 किलो चावल, दाल, नमक, तेल, मसाला दिए जा रहे हैं। सूखे राशन के वितरण का काम जिला प्रशासन की ओर से जयपुर तहसील के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसी के साथ मंदिर समिति की ओर से दौसा चाकसू में भी सूखा राशन वितरण करने का काम किया जा रहा है ताकि इस मुश्किल घड़ी में कोई भूखा न सोए। क्योंकि जयपुर शहर में केंद्रीकृत व्यवस्था श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा संचालित की जा रही है, हमारे DSO सिटी के निर्देशन में, नेतृत्व में, तो ग्रामीण क्षेत्र जो हमारा एकदम जयपुर से लगता हुआ था झोटवाड़ा पंचायत समिति का, उनकी 19 ग्राम पंचायतों में इनके वितरण की व्यवस्था की गई है। कालवाड़, झोटवाड़ा, सिरसी, वैशाली नगर और इसके आसपास की जो कच्ची बस्तियां या जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं उनका हमने लिस्टिंग करा ली है और उनकी आवश्यकता अनुरूप हमने व्हाट्सएप नंबर्स वगैरह सारे सिस्टमेटाइज कर रखे हैं। वहाँ जो डिमांड आती है उस डिमांड का वेरिफिकेशन हमारा आदमी उस एरिया में लगा हुआ है वो करके भिजवाता है। ग्राम पंचायतों में हमने ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बनवा ली है और लगातार 23 तारीख से अभी तक वितरण चल रहा है।